जाबासर गांव से 9 जनों का जो है सिलेक्शन हुआ है, 5 उर्दू से। मुझे लग रहा है कि उर्दू में कितने सिलेक्शन है करीबन आपका? उर्दू से पांच सिलेक्शन होने वाली लिस्ट में 18 थे, पर फिर भी 9 तो हमारे सामने बैठे हैं। लेकिन असली मजा काम पे है, असली मजा इनके चेहरे से मुस्कुराहट जो है झलक रही है, तो आप इनकी कामयाबी का जो है समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकरा फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे लिए यहाँ आए। साहिल, हम अमेरिका के वास्ते तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन आज जो है जाबासर के अंदर में आपसे मुलाकात हो रही है, सिलेक्टेड है पीटीआई में, तो आप भी जैसे जो नए युवा हैं उनको गाइड करने का भी थोड़ा, जो इस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं है। आज फिर से हमारी टीम जो है जाबासर पहुँच रही है। टीपू साहब हमारे साथ में हैं, आलम सर भाई साहब हैं, अमीर साहब हैं, और अमीर साहब फिर से वही बात है, जब टीम का अमीर जिसको बनाया जाता है उसका खर्चा तो होता ही है। तो इंशाल्लाह जाबासर के बच्चों से जो है, मैं बच्चों से कहा बोलूँ अब मैं उनको, जिनका सिलेक्शन हुआ है उर्दू के जो टीचर बने और कई दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बने, एक पीटीआई बना है जाबासर में ज्वाइन किया सितंबर में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग जाबासर पहुँचे हैं सेलिब्रेट सक्सेस एपिसोड्स की अगले एपिसोड में। यहाँ पे एक ही गांव से, जाबासर गांव से 9 जनों का जो है सिलेक्शन हुआ है, 5 उर्दू में और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में, SST, इंग्लिश, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर में, फिजिकल एजुकेशन, एक PTI भी बने हैं। तो उन सब से मिलने हमारी टीम पहुंची है। आज हमारे पास में मालाएं नहीं हैं, लेकिन हम लोग इनको जो है मिठाई खिलाने जरूर पहुंचे हैं। तो अभी मैं इन सब से जो है आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हबीब भाई साहब से। हबीब भाई साहब, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें हमारी ऑडियंस को। हबीब अहमद सनोफ मोहम्मद यूनुस खान, जाबासर अक्ष आर्मी जी। आपका सिलेक्शन किस सब्जेक्ट में हुआ है? SST सब्जेक्ट के अंदर में। और सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके अम्मी पापा क्या करते हैं? पापा पोस्टमास्टर है, अम्मी हाउसवाइफ है। जी जी जी। इसके अलावा मेरे साथ में और भी युवा हैं जाबासर के, जाबासर के शाहरुख मेरे साथ में हैं। शाहरुख, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें। मैं शाहरुख सनोफ इंतज़ार अहमद। जी जी। आपके अम्मी क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं? हाउसवाइफ है और पापा विदेश में रहते हैं। पापा विदेश में रहते हैं। और आपने जैसे, आपने कौन सा आपका अटेम्प्ट था अभी जब सिलेक्शन आपका हुआ है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, एक भर्ती पहले रद्द हो चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद ये वैसे पहला ही था मेरा अटेम्प्ट। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि पहले अटेम्प्ट के अंदर में जो है एग्ज़ाम क्लियर करना किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। शाहरुख ने जो है पहले ही एग्ज़ाम के अंदर में जो है, पहले अटेम्प्ट के अंदर में इसको क्लियर किया है। इसके अलावा मेरे साथ में इकराज जाबासर से मौजूद हैं। इकराज भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। मेरा नाम इकराज है, सनोपीरू खां, जाबासर गाँव है मेरा। जी। आपका सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? मेरा उर्दू L2 में सिलेक्शन हुआ है। और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ये देखिए, ये शाहरुख के साथ में इकराज का भी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में क्लियर करना किसी भी एग्ज़ाम को, खासकर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसमें कितने स्टूडेंट करीबन बैठते हैं इसमें? वैसे तो मैं, हमारे तो 8-9 लाख थे। 9 लाख? अच्छा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो रहे होंगे 9 लाख। ठीक है। और इस टोटल कितनी पोस्ट थी करीबन? 48,000 पोस्ट थी टोटल। उर्दू की कितनी पोस्ट थी? उर्दू की 803 पोस्ट थी। तो उसमें से भी काफी जनों का जो है सिलेक्शन हुआ है, और अकेले जाबासर से मुझे लग रहा है कि उर्दू में कितने सिलेक्शन है करीबन आपका? उर्दू से पांच सिलेक्शन उर्दू से है। उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट से है? SST से एक सिलेक्शन है हबीब साहब का। उसके अलावा इंग्लिश से है, इंग्लिश से भी सब्जेक्ट से है। कमलेश भाई हमारे साथ में है, तो मैं और लोगों से भी आपको रूबरू कराता हूँ। उसके अलावा मेरे साथ में, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम साकिब खान है, सनोफ गुलाम नबी खान जी, और मेरे पिताजी एक आर्मी है और माता हाउस वाइफ है। माता हाउस वाइफ है, ठीक है। तो आप खास करके देखो, माँ बाप का बहुत योगदान रहता है, तो आपके अम्मी पापा वैसे तो होते तो मैं आप जरूर यहाँ पे मिलता उनसे, लेकिन चूंकि आप ही हो तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनका कितना रोल आप मानते हो इसके अंदर में? घर वालों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहेगा, इन सब का पहला एग्जाम है, मेरा ये तीसरा एग्जाम था। जी जी जी। तो आपको तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगा फैमिली से। जी जी। उनको सबसे ज्यादा आप किसका रोल मानते हैं आपकी कामयाबी में? सबसे ज्यादा कामयाबी में माता पिता का ही रोल है, उन्होंने इतना टाइम दिया। जी जी। तो इसके अलावा मेरे साथ में और भी युवा हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोएब खान है। सोएब खान है। सोएब, आप सतार खान। सतार खान, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दे दें। मेरे पापा राजस्थान पुलिस में है और मम्मी हाउसवाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ है। और मैं शारीरिक शिक्षक पद पे सिलेक्ट हुआ। अच्छा, आप PTI के तौर पे जो हम बोलते हैं सिलेक्शन हुआ है आपका, ठीक है। तो आपके में कितनी पोस्ट वगैरह थी, कितना? हमारे 5500 कुछ पोस्ट
थी। ठीक है, और पीटीआई के लिए क्या एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है, जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पीटीआई के लिए काफी लोगों को नहीं होता, बीपेड की डिग्री लेनी पड़ती है, ग्रेजुएशन के बाद होती है, 12 के बाद डीपेड होती है। ठीक है, उसके बाद पीटीआई की जो एग्जाम है उसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ एक दो को, जिन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि मेरे को पीटीआई वाले रोल में जाना है, लेकिन मेरे पास में एक दो बंदे थे, जैसे मुराद साहब हैं पाटोदा से, वो सिलेक्टेड हैं पीटीआई में। तो आप भी जैसे जो नए युवा हैं उनको गाइड करने का भी थोड़ा, जो इस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं है, उनको ज़रूर इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे वो जो है इस पाथ पे जा सकते हैं। नहीं, वो गाइड कर रहा हूँ अभी रेगुलर शाम को, मतलब बच्चों को सिखा रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद में कॉलेज एग्जाम होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, पहले एडमिशन की प्रोसेस भी है बीपेड कॉलेज में, वो भी बता रहा हूँ लड़के को। तो बहुत बढ़िया बात है। तो शोएब साहब, आपको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा मेरे साथ में कमलेश भाई हैं। कमलेश साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। सर, मेरा नाम कमलेश कुमार है। फर्स्ट ऑफ ऑल इकरा फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे लिए यहाँ आए जी और हमारा सम्मान किया जी। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, आपका मम्मी पापा क्या करते हैं, उस टाइप से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन, मैं कमलेश कुमार पहले प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था और मेरे माता पिता जो हैं वो गुजर गए हैं और अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि आप शायद 2012 से ऑलरेडी टीचिंग भी कर रहे थे। जी, मैं 2012 से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो मैं बोलूँगा बहुत लंबा संघर्ष था। आपका कौन से सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है? सर, मेरा रीट L2 इंग्लिश से सिलेक्शन, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर में हुआ है। जी, तो आप 10-11 साल से ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा भी रहते किसी स्कूल के अंदर? 12 साल से लगभग मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ। इसके अलावा मेरे साथ में साहिल भी है। साहिल, हम अमेरिका के वास्ते तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आज जो है जाबासर के अंदर में आपसे मुलाकात हो रही है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार पूरी ऑडियंस को दे दें। मेरा नाम साहिल खान है, पिताजी का नाम फरमान अली है जी जी, मम्मी का नाम हसरत बानो है। आपका कौन से सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ था? L1 से हुआ है। L1 के अंदर में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। सब्जेक्ट उर्दू ही था आपका या कोई दूसरा? नहीं, L1 में कोई, अच्छा, L1 में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ठीक है। तो आपने BSTC करके जो है सिलेक्शन जैसे पाया, ठीक है। ये बाकी सारे BEd वाले हैं, राइट, ठीक है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा पैरा टीचर है। पापा पैरा टीचर है, मम्मी हाउस वाइफ। मम्मी हाउस वाइफ है। पापा के फाइनल होने से पहले इनका परमानेंट हो गया। और ये यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, शायद अमीर साहब जाके आए थे तो बता रहे थे उनके बारे में कि काफी मेहनती हैं साहिल, और जो है पढ़ाई के साथ साथ में खेती के काम भी संभाल रहे हैं। जी जी जी, तो वो बहुत बड़ी बात है। देखो, ये सिंसियरिटी जो है ये हर एक फील्ड के अंदर में होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ में शोएब मौजूद हैं। शोएब, आप भी अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें। मेरा नाम शोएब खान है और मेरे पापा का नाम अनवार अली है और मेरा L2 उर्दू से सिलेक्शन हुआ है। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी टीचर हैं, ठीक है, और अम्मी हाउस वाइफ है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही होगा कि लगातार मेहनत करते रहें और अल्लाह पर भरोसा रखें, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। इसके अलावा मेरे साथ में साहिल है। साहिल से मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि साहिल एक्टिव रहता है सामाजिक कार्यों में। तो साहिल, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हमारी कौम दो नंबर कौम कही जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी जी। तो बात यह है कि सुधारने की है, हमने पढ़ाई को बहुत पीछे छोड़ दिया है और यूथ ने उस जो मेन जो मुद्दे हैं उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम, खुदा ने खुद ये कहा है कुरान में, अल्लाह ने कहा है कि आप आसमान में देखो और अपने शरीर के अंदर देखो तो आपको मेरी निशानियां दिखेंगी। तो बात ये रिसर्च करने की हो रही है। तो मैं फिर इससे, ये यूथ से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पैसों के लिए या अपनी नफ्स के लिए या सिर्फ अपनी अपनी खेलने के लिए यहाँ काम ना करें। खुदा ने आपको एक बिगर पर्पस के लिए यहाँ भेजा है, तो उस बिगर पर्पस के लिए हमको काम करना है, ठीक है। तो इसी पर्पस के तहत जो है हम लोग भी कई गांवों में जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग कुछ सेलेक्ट होकर कुछ बन जाएँ तो आप भी ऐसे ही दूसरे बच्चों को जो है गाइड करें। इसके अलावा मेरे साथ में एक सिलेक्शन और हैं। आपका क्या नाम है? जावेद खान। इनके तो चेहरे से मुस्कुराहट जो है झलक रही है, तो आप इनकी कामयाबी का जो है समझ सकते हैं कितना खुश हैं आज के दिन। आपका इंट्रोडक्शन एक बार दे दें। मेरे पिता का नाम अब्दुल अजीज खान है और माता का नाम तकीरा बानो है और मेरे पिता किसान हैं और मेरी माता एक गृहिणी है। तो आपके लिए तो मैं बोलूँगा कि आपके लिए हमें ज़्यादा खुशी है। आपका सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ? उर्दू के अंदर में। कि आपके पापा जो है खेतीबाड़ी करके जो है आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी इंसान के लिए। और अमीर साहब, आज के दिन जो है तिरंगे के साथ में और आपके घर में इतने सिलेक्टेड टीचर्स, मैं बोलूँगा कैसा फील हो रहा है आज के दिन आपको? रियली जस्ट आई एम फीलिंग प्राउड।
बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे नौजवान बच्चे जिनके लिए हम हर दिन दुआएं करते थे कि बच्चे हमारे कामयाब हों, हालांकि 18 पास हुए थे एक दो के रेशियो में, तो दुगुनी वाली लिस्ट में 18 थे, पर फिर भी 9 तो हमारे सामने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं सभी को आज आमने सामने बैठ के बधाई दे रहा हूँ। सोशल मीडिया में और फोनों पे तो बधाई हो गई थी, लेकिन आज ये साथ बैठने का मौका मिला, बहुत ही दिल की गहराइयों से बधाई। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने मेहनत की है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। कामयाबी का कोई एक रास्ता नहीं है, कामयाबी का रास्ता महज मेहनत ही है। जिन्होंने मेहनत की है इन्होंने साबित कर दिया। ये भाई अजीज का लड़का है और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इसकी ये हो रही है कि वो खेती हर मजदूर टाइप के, खेती भी इतनी सारी नहीं है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर इनको पढ़ा लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत मजदूरी करके विदेश में भी वो मेहनत की, उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की और इसको पढ़ाया, और इसने उनकी लिहाज रखी है। उस लिहाज का मैं बहुत ही तहे दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने बाप की इज्जत रखी है, हमारे गाँव की इज्जत रखी है। और ये सारे ही बच्चे साहिल, कमलेश, शहबाज, जितने भी इकराज, ये सारे मेहनती भी हैं, साथ में फौजी साहब जिनको तो मैं बिल्कुल हमेशा दीवाना रहा हूँ इनका, इनके बड़े भाई जो हैं उन्होंने भी पहले जाबासर से इस फौजी कोटे में क्रैक किया था, इन्होंने भी फौजी कोटे में क्रैक किया। सारे फौजियों से भी मैं कहना चाहूँगा जो पढ़े लिखे फौजी आ रहे हैं वो क्यों ना BSTC बीएड करें आके, या फौज में रहते हुए BSC बीएड करें और इनसे सबक लें। क्या देखो, जैसे आपने कहा कि जाबासर में अपन मिलने जा रहे हैं वो जो नए सिलेक्टेड हैं, और एक गाँव में नौ सिलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये मेरा ननिहाल भी है, इसमें मेरे जो नाना के भाई अच्छा, वगैरह यहीं रहते हैं, तो एक डबल खुशी है यहाँ पे आने की। और दूसरी बात, इन सब जो टीचर्स से मिले बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, और मेरा तो इनसे एक ही कहना है कि ये जब भी किसी भी स्कूल में कार्य करें तो हर साल या एक साल में या अपनी ज़िंदगी में कम से कम 4-5 बच्चों को गोद लेकर टारगेट लें कि उनको भी हम किसी न किसी करियर में सेलेक्ट करें और उनको एक दिशा दें। टिप्पू साहब फिर से जाबासर पहुंचे हैं और आज पूरी फौज पीछे खड़ी है सिलेक्शंस की। टिप्पू साहब क्या कहेंगे आज के दिन? सबसे पहले भी तो दोस्तों जय हिंद। जय हिंद। और मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सफलता और असफलता दो मात्र शब्द हैं, लेकिन असली मजा काम पे है। असली मजा काम पे। मेरे दोस्तों, तुम लोग 9 व्यक्ति थे, बार बार में 9 बोला जाता है, फौज में 9 नंबर होते हैं, बस उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं होता, लेकिन एक एक नंबर इतना कीमती होता है, वो काम पे डिपेंड करता है। बंदे का काम कितना खूबसूरत है, कितना आउटस्टैंडिंग काम है, कितना एकदम परफेक्ट तरीके से काम किया है बंदे ने, तब जाके वो नंबर आँख फितराती है 9 नंबर मिलने पर। मेरी मोदबाना गुजारिश ये सब 9 बंदों से रहेगी, तो तुम अपने प्रोफेशन में 99.99 ना करें, 100 आउट ऑफ 100 अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में करें। ये जाबासर पूरा गांव आपसे उम्मीद करता है और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं, है ना। और ये बात मैं बता देना चाहता हूं, दलदल में से निकालने वाले टीचर्स और पेरेंट्स, पेरेंट्स और टीचर अच्छे लोग होते हैं तब आप जैसे हमारे जैसे लोगों को दलदल से बाहर निकालेंगे, निकाल पाएंगे, और उन निकालने वाले में से आज 9 व्यक्ति आप लोग शामिल हो चुके हैं। मेरी बात समझ गए आप लोग, है ना। जैसे पेरेंट्स, आप लोगों के पेरेंट्स ने जिम्मेदारी निभाई है और इस पायदान पे लाके खड़ा किया, सभी ने अपने अपने आइडियल माँ को, फादर को, ज़्यादातर फादर मदर को ही बोला है, तो उसके साथ में टीचर्स है, इन्होंने भी बोला है टीचर्स के लिए, इतने शानदार बोला है। नेशनल बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा योगदान टीचर्स का, नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। और अपनी अपनी जैसे इसमें इन्होंने बोला भाई एक एक बच्चे को आप गोद लें, और क्यों नहीं शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ, नॉलेज की तरफ आप बढ़ेंगे तो हमारा गाँव भी विकास करेगा, हमारा पंचायत भी विकास करेगी, पूरा मंडावा विकास करेगा, झुंझुनू विकास करेगा, शेखावाड़ी का विकास करेगा, पूरा राजस्थान विकास करेगा, और हमारा भारत भी विकास करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। बहुत शानदार। तो सेलिब्रेट सक्सेस एपिसोड में आज हम जाबासर में पहुंचे थे, और जाबासर में आप सबको बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, 9 जनों का जो है सिलेक्शन हुआ है, और 9 से जो है रूबरू आज हम हुए हैं।